वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. इन बेसल फंक्शन आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 0 to π/2 अंडर रूट पाई एक्स इंटू जे हाफ 2x dx इक्वल टू 1 एंड सेकेंड म्यू जे नॉट म्यू एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स. लिमिट 0 to 1 है. ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट पार्ट देखो. इसमें जे हाफ 2x है. इससे जस्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें आप लोगों को बताया था वी नाउ दैट जे हाफ एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू आई थी. ये रिजल्ट्स लर्न होने चाहिए जो मेन है. जे हाफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 upon π x इंटू साइन एक्स अंडर द रूट ऑफ 2 upon π x इंटू साइन एक्स. ठीक है, ये रिजल्ट अपना प्रूव हुआ था. सो जे हाफ 2x इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. अंडर द रूट ऑफ 2 upon π x की जगह चेंज करोगे 2x साइन 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 upon √π x इंटू साइन 2x. ठीक है, साइन पर अंडर रूट यहाँ पर नहीं है. अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो. लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू जे हाफ 2x की वैल्यू पुट कर दो और फिर इसको सॉल्व करेंगे. 5th पेपर स्टार्ट करवाने की कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स कि मैम 5th पेपर स्टार्ट करवा दीजिए. थोड़ा सा बेसल फंक्शन का 3-4 डेज और पार्ट कर लेते हैं. इसको थोड़ा सा स्पीड ले लेंगे अब 3-4 डेज और उसके नेक्स्ट फिर आप लोग जाएंगे तो 5th पेपर का यूनिट 4th और 5th स्टार्ट करवा देंगे आपको. लेफ्ट हैंड साइड लो, पुट करो वैल्यू. ये वैल्यू पुट कर दीजिए हाफ 2x की. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और साइन 2x dx साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x अपॉन x का जो कोफिशियंट है उससे डिवाइड कर दो. लिमिट्स क्या है 0 to π/2. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो. माइनस हाफ बाहर ले लो, कोस x की जगह पुट करोगे π/2 देन कोस पाई माइनस 0 पुट करोगे कोस 0. सॉल्व कर लो इसको. कोस पाई कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है. कोस एन पाई इक्वल टू -1 raised to the power n. ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ 1 है तो -1 raised to the power 1 -1. ठीक है, कोस 0 1 तो ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल. तो यही अपना राइट हैंड साइड था. ठीक है, तो इसमें ये रिजल्ट लर्न होना चाहिए. एग्जाम में यदि क्वेश्चन ये आता है तो इसमें ये प्रूव करके दिखाओगे जे हाफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 upon π x साइन एक्स. ठीक है, जैसे इसका प्रूफ प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था तो उस प्रूफ को यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे और फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करके और इसको सॉल्व करोगे. तो सिंस कोस एन पाई इक्वल टू -1 raised to the power n और साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन एन पाई इक्वल टू 0. तो ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए. मेन रिजल्ट सबको लर्न होने चाहिए. डेरिवेशन के प्रूफ कैसे क्या है वो सब अच्छे से सबको क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट 0 to 1 म्यू जे नॉट म्यू एक्स. सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे. तो सबसे फर्स्ट बाय डेफिनेशन ऑफ जे बेसल फंक्शन वी हैव जे एन एक्स. जे एन एक्स की वैल्यू समेशन फॉर्म में लोगे, एन की वैल्यू 0 पुट करोगे और एक्स को किससे चेंज करोगे, एक्स यू से. ठीक है, ये तो म्यू है यहाँ पर, म्यू नहीं, ये या तो म्यू ही ले लो सभी जगह या यू ले लो. ठीक है, यू की फॉर्म में है, एक ही टर्म है ये, यू जे नॉट एक्स यू अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 - u² डी यू. ठीक है, डी यू है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर यू है. तो सबसे फर्स्ट इसको सॉल्व करो. देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशन है, इसमें से एक्सप्लेन करेंगे इजीली, सभी को क्लियर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए. ठीक है, तो मेथड वो ही रहेगा, जो भी टर्म्स आएंगी उनकी वैल्यूज यहाँ पर चेंज होती जाएंगी. ठीक है,
तो सबसे फर्स्ट जे नॉट एक्स यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए बाय डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन वी हैव जे एन एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। जे एन एक्स की डेफिनेशन सबको लर्न हो गया, समेशन माइनस वन रेज टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन एक्स बाई टू रेज टू द पावर एन प्लस टू आर, ठीक है। एन की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो जे नॉट एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। अब जे नॉट एक्स की वैल्यू ये है तो जे नॉट एक्स यू, एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, एक्स यू से, तो ओनली क्या चेंज होगा यहाँ पर, ये तो टर्म एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा एक्स यू अपॉन टू रेज टू द पावर टू आर, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर एज इट इज पुट कर दिया, एक्स यू अपॉन टू रेज टू द पावर टू आर, ठीक है। तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में ले लो और डी यू एज इट इज इंटरचेंज, बाई इंटरचेंजिंग द समीशन एंड इंटीग्रेशन वी गेट, समीशन को बाहर लो और इंटीग्रेशन को अंदर लो, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यू के रिस्पेक्ट में, तो यू से रिलेटेड टर्म्स तो इंटीग्रेशन के अंदर ले लो और बाकी समीशन आर पे है तो जिसमें जिस टर्म में आर है उनको सबको बाहर ले लो, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स तो बाहर हो गई और यू यू रेज टू द पावर टू आर प्लस वन हो गया अपॉन अंडर द रूट ऑफ वन माइनस यू स्क्वायर डी यू, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पुट करो वन माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, वन माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और या यू स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। दोनों ही वे में ये इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इक्वल टू टी देन ट्वाइस यू डी यू इक्वल टू डी टी, और लिमिट्स देखो ये यू के लिमिट्स हैं, अपने को अब टी में चेंज कर रहे हो तो टी की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, तो यू टेंस टू जीरो देन टी टेंस टू जीरो, यू टेंस टू जीरो देन टी टेंस टू जीरो एंड यू टेंस टू लिमिट सेम रहेंगी, यू टेंस टू वन देन टी टेंस टू वन, ठीक है। तो न्यू वेरिएबल या अदर वेरिएबल में चेंज कर रहे हो देन लिमिट्स भी फाइंड आउट करनी होती है, वैल्यू पुट कर दो, ये टर्म्स तो एज इट इज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यू डी यू, यू की पावर वन है ना, यू और डी यू ये तो वैल्यू हो जाएगी हाफ डी टी, तो ये वन बाई टू ये हो गया और डी टी, और यू रेस टू द पावर ट्वाइस आर तो हो जाएगा टी रेस टू द पावर आर और अंडर द रूट ऑफ वन माइनस टी, ठीक है। ये हो गया जीरो टू वन, ये टर्म्स एज इट इज चलेगा, अब चलेगा अपना, ठीक है। तो ये सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेनली यही था कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर समेशन इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे और इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर यू स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करो, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगी यहाँ पर टी रेस टू द पावर आर और वन माइनस टी रेस टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टर्म अपना ये इस फॉर्म में आ रहा है जीरो टू वन टी रेस टू द पावर आर और वन माइनस टी रेस टू द पावर माइनस हाफ डी टी, तो यहाँ पर जीरो टू वन लिमिट है, ठीक है। तो किसका कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पर, बीटा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन वी हैव, क्या डेफिनेशन होती है, बीटा एम एन इक्वल टू जीरो टू वन एक्स रेस टू द पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ठीक है। ये एम माइनस वन की फॉर्म में है, ये एन माइनस वन की फॉर्म में है और लिमिट्स यहाँ पर क्या होती हैं, जीरो टू वन, देन वी यूज बीटा फंक्शन फार्मूला इन दिस वे। तो इसमें देखो अब इन दोनों को माइनस वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसको भी और इसको भी, तो माइनस वन के लिए क्या करोगे, प्लस वन और माइनस वन, ठीक है। और इसमें भी क्या करोगे, प्लस वन और माइनस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला आप क्लियर करना भी सबको आ गया होगा कि कैसे इसमें किस तरह से बीटा फंक्शन फार्मूले को यूज करेंगे और क्यों इसमें प्लस माइनस करते हैं, तो कहीं भी रटने की नीड नहीं है क्वेश्चंस में, हाँ समझ के और प्रैक्टिस करते हो देन स्टेप वाइज स्टेप सब भी क्लियर होते हैं। प्लस वन माइनस वन किया इन स्टेप्स में, तो अब यहाँ पर बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे, तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, गामा फंक्शन ऑफ आर प्लस वन, ये है माइनस हाफ प्लस वन, वन माइनस हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो गामा हाफ
अपॉन गामा आर प्लस थ्री अपॉन टू, आर प्लस वन प्लस हाफ, गामा एम प्लस एन है तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा गामा आर प्लस थ्री अपॉन टू, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। गामा टू एन का फॉर्मूला क्लियर है सभी को, गामा टू एन इक्वल टू टू रेस टू द पावर टू एन माइनस वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ पाई गामा एन इन टू गामा एन प्लस हाफ। ठीक है, तो यहाँ से गामा एन प्लस हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये आर प्लस वन प्लस हाफ यही था अपना, देखो यहाँ पर आर प्लस वन प्लस हाफ। ठीक है, तो ये प्लस हाफ के फॉर्म में है, तो यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस टर्म के सॉल्यूशन के लिए इस फॉर्मूले का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे गामा एन प्लस हाफ की। तो गामा एन प्लस हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ से गामा फंक्शन ऑफ टू एन इन टू अंडर रूट पाई अपॉन टू रेस टू द पावर टू एन माइनस वन अपॉन गामा फंक्शन ऑफ एन। अब इसमें एन को रिप्लेस करोगे आर प्लस वन से, देन वी फाइंड द फॉर्मूला गामा आर प्लस वन प्लस हाफ। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसमें एन जहाँ जहाँ है यहाँ पर और यहाँ, एन को किससे रिप्लेस करोगे आर प्लस वन से, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करके नेक्स्ट स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये स्टेप्स एज इट इज चले आ रही हैं। ये टू की पावर वन है और टू रेस टू द पावर टू आर, तो ये टू रेस टू द पावर टू आर प्लस वन हो जाएगा, फैक्टोरियल आर गामा आर प्लस वन। ठीक है, और ये यहाँ पर इसका बीटा फंक्शन का यूज किया तो ये वैल्यू हो गई, और इसमें गामा आर प्लस आर प्लस वन प्लस हाफ इसकी वैल्यू गामा एन प्लस हाफ के इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में एन इक्वल टू आर प्लस वन पुट करेंगे तो ये टर्म अपना ये सॉल्व कर लोगे इजीली, तो ये टर्म अपना इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी इसकी डिनोमिनेटर में, और जो कैंसिल हो रही है टर्म्स उनको कैंसिल कर लो। गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई, तो गामा हाफ इससे कैंसिल हो जाएगा। गामा आर प्लस वन इक्वल टू आर फैक्टोरियल, क्योंकि गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन फैक्टोरियल होता है, तो ये आर फैक्टोरियल होगा, देन ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म रहेंगी माइनस वन रेस टू द पावर आर एक्स रेस टू द पावर टू आर, और गामा टू आर प्लस टू है तो गामा टू आर प्लस टू यानी टू आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इसको प्लस वन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, गामा टू आर प्लस टू है तो गामा टू आर प्लस वन प्लस वन। ठीक है, तो ये गामा एन प्लस वन, गामा एन प्लस वन एन फैक्टोरियल होते हैं, तो ये टू आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, टू आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये चीज़ें तो अब हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन यदि अच्छे से कर लिए सभी ने, कंसेप्ट सभी क्लियर हैं, तो क्वेश्चंस जो है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। समीशन चल रहा है अपना, समीशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर रहे थे, अब इसमें आर इक्वल टू जीरो पुट करो प्लस आर इक्वल टू वन, तो आर इक्वल टू जीरो से वन हो जाएगा। आर इक्वल टू वन पुट करोगे ये टर्म आएगी, आर इक्वल टू टू आर इक्वल टू थ्री, एक्स से इंटू करो और एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स से इंटू करोगे तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस एक्स सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल, और डिवाइड करोगे वो ये ओके, किसका फॉर्मूला बन गया ये साइन एक्स का, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स साइन एक्स। क्लियर है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल, तो दोनों पार्ट्स जो है वो अपने यहाँ पर क्लियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, इसमें से फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट डिफरेंट है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली स्टेप वाइज स्टेप क्लियर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड, गामा हाफ इंटू टी रेस टू दी पावर एन प्लस हाफ इंटू जे एन प्लस हाफ टी अपॉन टू। ठीक है,
जे एन एक्स होता है तो एन की जगह एन प्लस हाफ है और एक्स की जगह टी अपॉन टू है, ये टी अपॉन टू इसी के साथ में है, जे एन प्लस हाफ टी अपॉन टू। तो इसको सबसे फर्स्ट सॉल्व करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चंस। उससे फर्स्ट उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन का, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे और मुझे बताएंगे कि मैम सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। ओके, जे थ्री बाई टू एक्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कोस एक्स। जे थ्री अपॉन टू एक्स इसका फॉर्मूला यूज करने के लिए सभी सीरीज फॉर्म में इसकी वैल्यू लेते हुए इसको सॉल्व करोगे। सिंस वी नाउ दैट जे एन एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू होती है इसकी, लर्न सभी को क्या होगा, जे हाफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो एक्स रेस टू दी पावर एन अपॉन टू रेस टू दी पावर एन इंटू गामा एन प्लस वन इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू टू एन प्लस टू प्लस एक्स फोर अपॉन टू इंटू फोर टू एन प्लस टू टू एन प्लस फोर माइनस एक्स रेस टू दी पावर सिक्स अपॉन टू फोर सिक्स इंटू टू एन प्लस टू टू एन प्लस फोर टू एन प्लस सिक्स। प्लस एंड सो, ठीक है, बेसल फंक्शन को सीरीज फॉर्म में लेते हुए और क्या पुट करेंगे यहाँ पर, एन इक्वल टू थ्री अपॉन टू एंड देन सॉल्व वी गेट जे थ्री अपॉन टू एक्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई एक्स ही तो कॉमन रहेगा, और साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कोस एक्स। साइन एक्स एंड कोस एक्स का फॉर्मूला सभी को क्लियर है, साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस एक्स सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। एंड कोस एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर माइनस एक्स सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको इसमें एन की जगह थ्री अपॉन टू पुट करके और इसको सभी सॉल्व करके देखेंगे और फिर देखोगे कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, और सभी स्टूडेंट्स मुझे बाय मैसेज बताएंगे कि मैम सॉल्व हो गया या नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।